हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैं अपना चैनल टेक क्यूटीआर में। दोस्तों, अगर आपके पास भी एप्पल का वॉच है, लॉक है, ये एप्पल का वॉच है सीरीज 7, ठीक है ना। अगर आपके पास भी कोई भी मॉडल का एप्पल वॉच ओरिजिनल है और वो लॉक स्क्रीन है, उसको फॉर्मेट मारना है, तो इसमें कोई डाटा केबल वगैरह कनेक्ट करके आप कंप्यूटर से फॉर्मेट नहीं मार सकते, इसे जो है ना बटन से फॉर्मेट मारना पड़ेगा हार्ड रिसेट। तो किस तरह से फॉर्मेट मारना है गाइज, आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो गाइज, ये एप्पल वॉच को ना, ये वाला जो है ना, ये पावर बटन, इसको प्रेस करना है, प्रेस इन होल्ड, ओके। उसके बाद इस टाइप का आएगा ना गैज, तो इसको जो है ना चार्ज में लगा देना है, यहाँ पे चार्ज में इस तरह से लगाने के बाद, उसके बाद ये क्राउन बटन जो है ना गैज, इसको जो है ना प्रेस इन होल्ड करना है, वेट। देखिए गैज, देखिए कुछ आ गया ना। तो कितना सिंपल है गैज इसे फॉर्मेट मारना, बहुत ही सिंपल है इसको फॉर्मेट मारना। सो उसके बाद क्या करना है, इसको रीसेट मारना, यहाँ से रीसेट बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम लगा, ये रीसेट हो जाएगा। थोड़ा देर के बाद इसमें एप्पल का लोगो आएगा, उसके बाद इसका जो है ना फुल राउंड राउंड जो है ना एक पॉपअप शो करेगा, उसके बाद ये फॉर्मेट हो जाएगा। तो कितना सिंपल है गाइज, और ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये अपना आईफोन से बना रहा हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं आईफोन लिखा हुआ है, और एक एप्लीकेशन से कनेक्ट किया हूँ मैं अपने कंप्यूटर में। सो गाइज, किसी भी प्रकार का आपको कोई भी सहायता चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें गाइज, और मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी जानकारी लेके गाइज। अभी ये फॉर्मेट हो रहा है, दिख रहे हैं, दिख रहा है कुछ, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये हो जाएगा, अब ये ऑन होगा। तो ये फॉर्मेट हो गया है, इसका स्क्रीन लॉक टूट गया है, और इसके अंदर अगर बाय चांस आई क्लाउड होगा तो सेम आई क्लाउड से आपको ओपन करना पड़ेगा। आप देखिएगा इसको जो है ना, ये आईफोन है, ठीक है, इससे हम कनेक्ट करेंगे कैसे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। इसी आईफोन में हम कनेक्ट करके भी दिखा देंगे, अगर आई क्लाउड नहीं होगा तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, अगर होगा आई क्लाउड तो वो आई क्लाउड का जो पासवर्ड मांगेगा उसमें ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा। थोड़ा सा आप लोग वेट करें गाइस। सो दोस्तों, ये फॉर्मेट हो चुका है कम्प्लीटली। अब इसको जो है हम अपने फ़ोन में यहाँ से देखिए कनेक्ट करेंगे, ओके। अब यहाँ से स्कैन करेंगे सेटअप माई सेल्फ, ठीक है, और ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए गाइस, इसको जो है स्कैन करना है स्टेप, ओके। ये अपडेट करने के लिए बोल रहा है, तो इसको हम स्किप लेटर करते हैं और देखते हैं इसके साथ ये कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है। इधर कंप्यूटर मेरा इसी को, सो सेटअप एप्पल वॉच। ओह माय गॉड गाइस, इसके अंदर एप्पल का आईडी नहीं है गाइस। ये देखिए एप्पल वॉच सेटअप हो रहा है यार, इसमें इसके अंदर आई क्लाउड नहीं था तो इतना जल्दी ये हो गया, कनेक्ट हो गया। सो गाइस, इसको हम रीसेट मार देते हैं, क्योंकि हम ये दूसरे का था, इसके लिए अनपेयर कर दिए, रिसेट मार दिए थे। इतना बस सिंपल है सेटअप करना, उसका जो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएगा उसको वो पूछेगा आपको लेफ्ट हैंड में लगाना है कि राइट हैंड में, उसके बाद सेटअप करते जाएगा, उसके बाद जो भी उसमें जो भी आपको आएगा ना उसको फॉलो करते जाना है, बस वो सिंपल है, ठीक है गाइस। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।